हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी प्ले वे और नर्सरी में एडमिशन लेने वाले उन बच्चों के बारे में जिनके लिए ये समर वेकेशन एक अच्छा मौका होता है अपनी राइटिंग स्किल को बढ़ाने का। ये टाइम जो होता है उसमें बच्चों को हम थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करवा लें, छोटे छोटे वर्कशीट अगर दे दें, तो बच्चे पैटर्न राइटिंग बहुत अच्छे से करने लगते हैं। और अगर वो पैटर्न बनाना सीख जाते हैं उसके बाद उनको लिखने में बहुत सहूलियत होती है। तो चलिए, आज का वीडियो है पैटर्न राइटिंग बच्चों को किस तरह से सिखाएं, स्ट्रोक्स बनाना किस तरह से बताएं और उसके लिए किस तरह की वर्कशीट तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पैटर्न राइटिंग प्ले वे और नर्सरी के लिए, पैटर्न राइटिंग में सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन जो कि इस तरह से बच्चों को देनी होती है, स्लिपिंग लाइन इस तरह से बच्चों को देनी होती है, स्लांटिंग लाइंस, ये राइट स्लांटिंग है और ये लेफ्ट स्लांटिंग है इस तरह से। तो ये जो है, ये पैटर्न राइटिंग जो है, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, राइट एंड स्लांटिंग लाइन, ये सारे क्या है, लाइन पैटर्न्स हैं। क्या है ये? लाइन पैटर्न। अब हम आते हैं कर्व पैटर्न की ओर, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। इसके बाद आता है सर्कल। तो ये सारे क्या है, कर्व पैटर्न है। ये सारे कर्व पैटर्न हैं और ये सारे लाइन पैटर्न हैं। किस तरह से इसकी वर्कशीट तैयार हो और किस तरह से इसकी प्रैक्टिस हम करें, चलिए इसको आगे हम देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर वन है स्टैंडिंग लाइन, जो मैंने लंबा लंबा दिया है और एरो के थ्रू बताया है कि नीचे की ओर आएंगे बच्चा, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से खींचेगा लाइन को। ये मैंने एक कॉपी में बनाई है, आप चाहें तो इसे A4 साइज पेपर में बनाकर पेज प्रोटेक्टर में डालकर और बच्चे को एक ही वर्कशीट को बार बार यूज़ करके प्रैक्टिस करा सकते हैं। वर्कशीट नंबर टू, यहाँ पर जब बच्चा बड़ा बड़ा स्टैंडिंग लाइन कर लेता है उसके बाद उसे छोटे स्टैंडिंग लाइन देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट ही खींचेगा, हो सकता है कि बच्चा का टेढ़ा मेढ़ा भी चला जाए। यहाँ पे हमने चार लाइनों का स्टैंडिंग लाइन लिया है, यहाँ पे उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरह से लास्ट में डॉट दे देंगे और बच्चा इस डॉट को डॉट से मिलाएगा और इस तरह से स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट करेगा। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन में इस तरह से बच्चा इस बेल को इस बेल से मिलाएगा और इस तरह से इसको कंप्लीट करेगा। यहाँ भी मैंने एरो देकर इंडिकेट किया है कि बच्चा यहाँ से यहाँ, इधर से इधर नहीं लाएगा, इधर से इधर की ओर लाएगा, एरो के थ्रू मैंने दिखाया हुआ है। ये जब लंबी लंबी स्लीपिंग लाइन्स कर लेता है उसके बाद उसे छोटी छोटी स्लीपिंग लाइन्स इस तरह से हम देते हैं अलग अलग पैटर्न में, और उसके बाद डॉट टू डॉट को वो स्लीपिंग लाइन के जरिए जोड़ेगा। जब स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बच्चा सीख लेता है तो उसके बाद उसकी हम प्रैक्टिस वर्कशीट देते हैं और इस तरह से स्टैंडिंग देन स्लीपिंग, फिर स्टैंडिंग देन स्लीपिंग, और इस तरह से बड़े बड़े पैटर्न बनाने के बाद बच्चे को इस तरह की भी प्रैक्टिस वर्कशीट देते हैं। वर्कशीट नंबर फाइव, राइट स्लांटिंग, इस तरह से बच्चे, देखिए एरो दिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, और वर्कशीट नंबर सिक्स में है लेफ्ट स्लांटिंग, इधर से इधर की ओर, यहाँ भी एरो दिया हुआ है। और बच्चा जब इसकी प्रैक्टिस कर लेता है उसके बाद हम बच्चे को ये प्रैक्टिस वर्कशीट देते हैं इस तरह से करने के लिए, और जब ये बड़ा बड़ा कर लेता है उसके बाद राइट स्लांटिंग लेफ्ट स्लांटिंग, राइट स्लांटिंग लेफ्ट स्लांटिंग, और इस तरह से करते हुए फिर हम उसे ट्राइंगल देते हैं, राइट लेफ्ट देन स्लीपिंग लाइन, और इस तरह से बच्चे को अट्रैक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। वर्कशीट नंबर सेवन, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों कर्व बच्चों को सिखाए जाते हैं, लेफ्ट कर्व देन राइट कर्व, और इस तरह से बच्चे को हम वर्कशीट करवाने के बाद प्रैक्टिस वर्कशीट देते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और उसके बाद हम एरो दे देते हैं और डॉट दे देते हैं, बच्चा इसको यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पर लाके मिला लेता है। इसके बाद वर्कशीट नंबर एट है जिसमें हम अप कर्व देते हैं और इस तरह से बच्चे को अप कर्व की प्रैक्टिस करवाते हैं और उसके बाद डाउन कर्व की प्रैक्टिस करवाते हैं, आप देख रहे हैं वर्कशीट नंबर नाइन। और उसके बाद जब लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व बच्चा सीख लेता है उसके बाद हम बच्चे को प्रैक्टिस वर्कशीट देते हैं, जो कि बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। और ये सीखने के बाद वर्कशीट नंबर टेन है जिसमें हम बच्चे को सर्किल की प्रैक्टिस करवाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।